Good morning, students. Today I am going to teach you science, the third part of the science first lessons. Let's study. The topic name is vegetative propagation. That means वनस्पतियों का किस तरह से प्रजनन होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Some plants do not grow flower. They do not reproduce from seeds, but other parts like roots, stems and leaves. This method is known as vegetative propagation. Vegetative propagation or vegetative reproduction is the process of multiplication in which a fragment of the plant body develops into a new plant. The new plant will possess the same characteristics as that of the parent plants. कहने का मतलब यह है कि वनस्पतियाँ अपने प्रजनन किस प्रकार से करती हैं, तो सभी पौधे फूल से या बीजों से ही नहीं निकलते हैं, बल्कि रूट से भी, स्टीम से भी और पत्तों से भी अपना प्रजनन करते हैं. बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसके द्वारा बहुत सारे पेड़ पौधे या छोटे छोटे पौधे अपना प्रजनन कर सकते हैं. वो या तो लीव्स के द्वारा हो, या पत्ते के द्वारा हो, या स्टीम के द्वारा हो, या उनके जड़ों के द्वारा हो, और इनके अलग अलग भाग होते हैं. अब आइए फ्रॉम रूट्स, यानी कि जड़ों से किस प्रकार से ये अपना प्रजनन करते हैं उनके बारे में जानते हैं. इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, धालिया, बीटरूट एंड टर्निप, स्मॉल आउट ग्रो कॉल्ड बर्ड्स डेवलप ऑन देयर रूट्स. These buds sprout out under suitable condition. These sprouts may be separated and planted. In sesam, shoots arise from the roots around the cut stems of trees. Let us perform an activity to understand this. यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो, धालिया, बिटर रूट्स, बीट रूट्स, टर्निप, ये ऐसे ऐसे पौधे हैं जो अपने जड़ों में एक अपना प्रजनन करने की प्रक्रिया को दूसरे में न्यू प्लांट्स को डेवलप करने के लिए ये छोटे छोटे बर्ड को उत्पन्न करते हैं और वे एक नए प्लांट में बन जाते हैं और प्रजनन हो जाता है, यानी कि एक और नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है. यहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ दिया गया है, जैसे सीसम रूट का है, ये आप लोग पढ़िएगा. नेक्स्ट है फ्रॉम अंडर ग्राउंड स्टीम, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो ज़मीन के अंदर किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम द स्टीम इन जिंजर, गार्लिक, ओनियन, टर्मरिक, क्रॉन्स एंड पोटैटोज. इन दिस प्लांट्स द स्टीम बियर बर्ड्स, द बर्ड्स ऑफ पोटैटोज आर कॉल्ड आईज. न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड्स. यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो उनमें कुछ कुछ, जैसे कि जिंजर है, गार्लिक है, ओनियन है, तो इनको अपना प्रजनन करने के लिए इनमें छोटे छोटे बर्ड उत्पन्न होते हैं और उन्हीं को हम दोबारा रोपते हैं, तब जाके हमें एक न्यू प्लांट्स हमें मिलता है. तो वो कौन कौन से हैं, तो ओनियन है, गार्लिक है, टर्मेरिक है, ये सारे पौधे होते हैं और उनको हम आइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? आइड्स कहते हैं. नेक्स्ट है फ्रॉम स्टीम कटिंग, यानी कि कुछ पौधे के डाल जब हम काट कर रोपते हैं तब उनमें प्रजनन होता है, उनको हम देखते हैं. सम प्लांट्स लाइक सुगर केन, रोज, चाइना रोज, टोमेटो, etc. कैन बी ग्रो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द स्टीम और द इंटर स्टीम डिटैच्ड फ्रॉम द मेन ब्रांच ऑफ द प्लांट. व्हेन ए कटिंग ऑफ सच ए स्टीम अलोंग विथ द बर्ड इज बोरेड इन द मॉइस्ट सोयल, ए न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द बर्ड. यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे शुगर केन हो गया,
रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, तो ये इन सारे पौधे के हम क्या करते हैं, डाल को काटते हैं, छोटे छोटे स्टीम काटते हैं, डाल काटते हैं, और तब उसको हम क्या करते हैं, जमीन मिट्टी में हम उसको रोप देते हैं, जिसके कारण बहुत दिन बाद उसके बाद से ये अपना नया प्रजनन करकर वही डाल एक नए पौधे के रूप ले लेता है। फिर आइए फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स से किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम लीव्स आल्सो इन ब्रायोफिलियम्स। सम बर्ड्स आर पेरेंट्स ऑन द एग्स ऑफ द लीव्स। When these buds fall on the ground, they grow into a new plant. Each bird can give rise to the new plant. यानी कि लीफ से कैसे होते हैं, तो जैसे कि आपने देखा है पथलचट का पौधा, वो एक नाम है और पौधा भी है, तो उसका जो पत्ता होता है तो कभी कभी आप देखे होंगे कि छोटे छोटे उसमें पौधे जन्म ले लेते हैं, उसके कॉर्नर पे पत्ते का जो कॉर्नर होता है ना, ऐसे यहाँ पे फिगर भी है, पथलचट का पौधे का पत्ता है और इसी के कॉर्नर पे यानी कि किनारे किनारे ये अपना क्या करता है, एक नए पौधे को जन्म देता है। और इसको हम जब जमीन में या मिट्टी में हम रोपते हैं तब ये एक नया पौधा के रूप में हमें मिल जाता है।